हाय गाइस, कैसे हैं दोस्तों? अगर आपके पास जो है वन प्लस का डिवाइस है और 5G नेटवर्क यूज करने के लिए चाह रहे हैं लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, सो कैसे आपको क्या करना होगा जिसके बाद जो है आप जो है 5G नेटवर्क यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में। मेरे पास जो है वन प्लस का ये डिवाइस है, आपके पास जो भी डिवाइस है कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आपके पास जो भी डिवाइस है उस पर अगर आप जो 5G नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, काफी सारे सेटिंग कर लेते हैं नहीं हो रहा है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, जिससे ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप जो है 5G नेटवर्क यूज कर पाओगे अपने डिवाइस में। सो किसी भी जो है वन प्लस डिवाइस में 5G नेटवर्क कैसे यूज किया जाएगा, आइए जानते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे जो जो सेटिंग बताने वाला हूँ इस चीज को पूरा समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में कुछ बात आपको बताने वाला हूँ, उस चीज को जरूर सुन के रहिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी फोन का या फिर जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं, जो डाटा आप जो है यूज कर रहे हैं, बस उसी पे आना है। इस तरह के डाटा जो देखने को मिलेंगे उसी पे आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके आप जैसे ही रखोगे इस तरह से आपको यहाँ पे जो है आपका पेज जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पे क्या होगा, आपका जो भी सिम है, सिम वन सिम टू ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिस भी सिम पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसी सिम को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना, इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ध्यान से देखेगा इस चीज को, उसी पे क्लिक कर लेना, इस तरह से आएंगे। सो आपने यहाँ पे नीचे जो है टिक लगा रहेगा, आपको क्या करना है ऊपर की ओर 5G वाला ऑप्शन जो है इसी पे आपको टिक कर देना है। ये सेटिंग हो गया, यहाँ पे आपको ये काम आपको करना है। इसके बाद जो कुछ सेटिंग है वो भी जरूर देखिएगा, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है बस सेटिंग वाला बार पे आपको आ जाना है, यहाँ पे टाइप कर देना है सेटिंग, ये जो देखने को मिलेगा बस सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो सर्च वाला बार जो है देखने को मिलेगा इसी पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है नेटवर्क, इस तरह करके नेटवर्क आप जो है सर्च करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 5G का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेटवर्क पे, आना है इसी पे आपको क्लिक करके इसे आपको इनेबल कर देना है। ओके, इस चीज को आपको इनेबल कर देना है, एंड उसके साथ साथ नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5G नेटवर्क मोड, इस पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से ऑप्शन आपको जो है डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे की ओर NSA+SA मोड का ऑप्शन जो देखने को मिला नीचे की ओर, इस पे आना है, इस पे आपको टिक कर लेना है। ये चीज आपको यहाँ पे दोनों सेटिंग कर लेना है। ओके, ये सेटिंग अगर आपको यहाँ पे जो है नेटवर्क सर्च कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा, उसके बाद जो है इस सेटिंग के अंदर आप आ सकते हैं। सो डेवलपर ऑप्शन कैसे आप इनेबल कर सकते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसी चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, जहां से आप जो है आसानी से सेटिंग से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं एंड इस सेटिंग पे आप जा सकते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोन का जो सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा अबाउट वाला ऑप्शन, इसी पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, ऐसा क्या होता है कि काफी जो है नेटवर्क यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन आप जो है जिसके कारण अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण आप यूज नहीं कर पाते हैं 5G नेटवर्क को, तो यहाँ पे आना है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो भी अपडेट आपको यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे जो है पूछ रहा है, वो अपडेट आपको कर लेना है। ओके, अपडेट आपको जरूरी है करना, उसके बाद ही आप जो 5G नेटवर्क यूज कर पाओगे। अगर अपडेट नहीं करोगे, 5G नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, अगर आप जो है अपने फोन को जो है अपडेट नहीं करोगे तो। यहाँ से आपको अपडेट जरूर कर लेना है। सो ये काम आप जो है ये सेटिंग जो रहता है कंपलसरी रहता है, ये सेटिंग आपको करना ही होगा अगर 5G नेटवर्क यूज करना चाहते हैं तो। अब जो है कुछ बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस चीज को जरूर समझिएगा। जैसे कि अगर आपके पास जो है 4G सिम है और आप चाहते हैं कि 5G नेटवर्क यूज करना, तो इस हाल में कभी भी आप जो है नेट यूज नहीं कर सकते हैं 5G। इससे पहले आपको जो अपने सिम को 5G करवाना होगा, ओके 5G करवाना होगा एंड अलग से आपको रिचार्ज करवाना होगा, उसके बाद ही आप जो है 5G नेटवर्क यूज कर पाओगे। एंड दूसरा चीज क्या है कि आपके डिवाइस भी जो है 5G का ही होना चाहिए। ओके, अगर 5G का नहीं है और सिम आपका 5G का है तो 5G नेटवर्क आप इस हाल में कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरा चीज क्या है कि आपके जो है एरिया पे, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप जिस जो है सिटीज में रहते हैं, वहां पे 5G नेटवर्क एक्टिवेट होना चाहिए उस एरिया पे। अगर उस एरिया पे 5G नेटवर्क एक्टिवेट नहीं है तो किसी भी हाल में आप जो है 5G नेटवर्क यूज नहीं कर पाओगे। चाहे आपका 5G का सिम है, 5G का रिचार्ज कर लिया है, 5G का फोन है, फिर भी आप 5G नेटवर्क आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपके एरिया पे 5G नेटवर्क अभी जो है एक्टिवेट नहीं किया गया है तो। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस एरिया पे अभी जो है 5G नेटवर्क एक्टिवेट है तो उसके लिए मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस सिटीज में यानी किस किस स्टेट में अभी जो है 5G नेटवर्क एक्टिवेट किया गया है। तो धीरे धीरे हर जगह 5G नेटवर्क अभी जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ओके, काफी सारे ऐसे जगह है जहाँ पे 5G नेटवर्क यूज कर रहा है एंड काफी ऐसे जगह है जहाँ पे 5G नेटवर्क अभी यूज नहीं हो पा रहा है। आपके एरिया पे है या नहीं है कमेंट करके जरूर बताना, और आपके पास कौन सा डिवाइस है, कौन सा मॉडल है वन प्लस का, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको वन प्लस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है एंड कुछ भी चीज सीखना हो इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।